एक सीन यहाँ से लिया गया है कुछ इस प्रकार से। पेड़ भर गया ना मंडी, पीछे वाली जो हवेली है ना, तेरे माँ बाप तुझे ठाई से मिल जाएंगे। रुको, ये बजरंग भाई जान का मैन जो हथकड़ी वाला सीन है, शिकोटरी पीछे भागती है, अच्छा। वो यहाँ का सीन है जो सलमान खान के वो जो थप्पड़ पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव पड़ता है, गाँव का नाम है मंडावा। मंडावा गाँव जो है वो काफ़ी खूबसूरत गाँव है, और यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं। ये जो गांव है ये हवेलियों के लिए फेमस है, और बॉलीवुड के लिए ये एक फिल्म सिटी है। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू वो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, 2015 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बजरंगी भाईजान। अगर हम इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में नज़र आए थे सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करीना कपूर और हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा वो हैं जिन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया है, और मुन्नी के ऊपर ही ये फिल्म पूरी आधारित है। तो उस फिल्म के अंदर जो पाकिस्तान दिखाया जाता है वो इसी मंडावा को दिखाया जाता है। यहाँ पे मेरे पीछे ये पूरा पाकिस्तान बनाया गया था उस फिल्म के अंदर। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ ये है इश्ने राम लड़िया हवेली, पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इश्ने राम लड़िया हवेली, और ये हवेली है यहाँ पे। और बजरंगी भाईजान फिल्म के अंदर जो पाकिस्तान वाले सीन हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। जब सलमान खान पाकिस्तान में आते हैं तो जो मुन्नी रहती हैं उनको खाना खिलाते हैं एक होटल पे, ढाबा पे, तो वो जो ढाबा बनाया गया था वो यहीं पे बनाया गया था, इसी जगह पे। यहाँ पे बैठ के सलमान खान खाना खाते हैं, यहाँ पे ब्रेंचें पड़ी होती हैं। और देखो इसका सीन आ रहा था, इस वाले का ये गेट बिल्कुल साफ दिख रहा था, और ये वाला जो हवेली है ना, ये वाली ये हवेली दिख रही थी, और इस पेड़ का भी नज़ारा था। इस प्रकार से वो सीन लिया गया है जिसमें सलमान खान और जो मुन्नी रहती हैं वो यहीं पे बैठ के खाना खाती हैं, यहाँ इस जगह पे, ऐसे करके कुछ नज़ारा लिया गया है। और हवेली यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, देखो पूरा हवेली का ही मतलब गांव है, हवेलियों वाला गांव इसको बोल सकते हैं, चारों तरफ हवेली हवेली है। इस जगह पे जब वो लोग खाना खाते हैं मुन्नी और सलमान खान यानी बजरंगी भाईजान, तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी खाना खाते हैं जिनकी हथकड़ी को मुन्नी उठा लेती है, और फिर जो सलमान खान और मुन्नी होते हैं ना वो इस साइड से निकल के जाते हैं आगे की तरफ, तो पुलिस वाले जो रहते हैं वो उनका पीछा करते हुए भागते हैं कि आप लोग मतलब मेरी हथकड़ी कौन लाया उठा के। वो वाला सीन कुछ शायद यहाँ से लिया गया चौराहे से। आगे चलता हूँ, अभी आगे से आपको दिखाता हूँ क्योंकि इस हवेली को दिखाया गया है बैकग्राउंड में, तो आगे चलते हैं वहाँ पर, वहाँ से दिखाऊँगा। अंकल जी यहाँ पे बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई थी क्या? हाँ यहाँ पर ही हुई थी, वो वहाँ से लेके वो है ना, वो क्या था सलमान खान बजरंगी भाईजान का मैंने मुन्नी के साथ जो वो खाना खाता है ना ढाबे पे, हाँ हाँ वो वहाँ का है, इधर बनाया गया था वो इधर, अच्छा के पास, अच्छा। और बजरंगी भाईजान का मैन जो हथकड़ी वाला सीन है, शिकोटरी पीछे भागती है, वो यहाँ का सीन है जो सलमान खान का वो जो थप्पड़ पड़ती है वो सीन यहाँ का है, और जो मटके पड़ता है सलमान खान वो यहाँ का सीन है दीवार के पास, यहाँ पे मटके लगे हुए थे, यहाँ पे मटका लगा हुआ है उस पर सलमान खान पड़ता है, ऐसे वो सीन यहाँ का है। और वो जो सलमान खान मुन्नी के साथ जो खाना खाता है ढाबे को पे, वो वहाँ ही कुएं के पास है, वहाँ पे भी कुएं के पास ये आ रहा है ना, वो गुलाब सनी राम लड्डी हवेली के पास, अच्छा। सनी राम लड्डी हवेली है उसके पास, और इस हवेली का भी शायद सीन है फिल्म के अंदर, इस वाली का इसका आता है जी, हर पिक्चर में आता है इसका, यहाँ पर जो भी शूटिंग होती है। यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म बनी थी? यहाँ पर बनी पीके फिल्म, लव आजकल, कच्चे धागे। कच्चे धागे में हवेली दिखाई, वो कौन सी हवेली? कच्चे धागे में एक तो हवेली वो है, हमारे भी सीन है कच्चे धागे में, जो गदा गाड़ी का जो सीन है, गदा गाड़ी आ रही है सलबी की, सैफ अली खान की जो जिप्सी जाती है इधर से, अच्छा, अच्छा। और हम इधर से वो गदा गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा ये बजरंगी भाईजान में यहाँ के लोगों के भी कोई सीन थे क्या? यहाँ का तो सीन है वो क्या ना, अब काम कर रहे हैं अलग अलग, अच्छा वो काम करने वालों के सीन, हाँ यहाँ पर है मडा का बहुत सीन है। और अच्छा कितने दिन यहाँ पर शूटिंग चली? एक महीने चली, एक महीने बजरंग भाई जान, एक महीने पीके फिल्म, लव आजकल, एक महीने। तो दिन में शूट होती थी या नाइट में भी होती? नाइट में भी होती, रात ज़्यादा, दिन में ज़्यादा होती।
नाइट की कभी कभी नाइट में भी होती है। एक सीन यहाँ से लिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पीछे वाली जो हवेली है ना, सेम ऐसे ही दिख रही होगी। और ये वाला जो बिजली का पोल है ना, इस पे यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, पीले कलर की प्लेट लगी हुई थी उस पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। और सलमान खान यहाँ पे रहते हैं और मुन्नी यहाँ रहती हैं, उनका हाथ पकड़े रहते हैं सलमान खान। वो सीन लिया गया है यहाँ से। और देखो पीछे वो वाली जो दीवार दिख रही है ना, वो किले की दीवार है, ये वाली, ये किला है पीछे उसकी दीवार है। पुलिस वाले आते हैं इधर से भागते हुए इस पिलर के पास, और मुन्नी और सलमान खान यहाँ पे खड़े रहते हैं, जिसमें फिर वो पुलिस वाला जो रहता है वो मुन्नी से पूछता है हथकड़ी के बारे में। तो इस हवेली का भी थोड़ा सा सीन है, जिसमें ये जो खिड़की है, ये खिड़की दिखाई गई कुछ इस प्रकार से। और फिर जो सलमान खान रहते हैं वो मुन्नी को लेके इस साइड चले जाते हैं, तो हम भी अभी इधर चलते हैं और आगे और सारे सीन दिखाएंगे आपको, जहाँ पे एक जो मस्जिद बनाई गई थी वो मस्जिद आपको दिखाएंगे आगे चल के। एक सीन के अंदर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहते हैं, उनका जो कैमरा मैन रहते हैं ना, पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और नवाजुद्दीन के बारे में पूछते हैं, तो वो इधर से भागते हुए आते हैं यहाँ पे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब वो भागते हुए आते हैं, यहाँ ऊँट खड़ा रहता है जिसके नीचे से वो निकल जाते हैं। और साइड इस साइड में कुछ मटके रखे होते हैं कच्चे वाले, और पीछे वाली हवेली का सेम नज़ारा ऐसे ही है। तो वो सीन यहाँ से लिया गया है, और उसके बाद कैमरामैन इधर चले जाते हैं भागते हुए, तो हम भी अभी आगे की तरफ चलते हैं। फिल्म के एक सीन में जब ओमपुरी जो होते हैं वो अपनी बाइक पे सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिठा के लाते हैं, मतलब बुरका पहना के, तो उसमें एक सीन यहाँ से लिया गया है कुछ। वो इधर से आते हैं जिसमें इस जगह पे उनकी बाइक रहती है, तो इस गेट को दिखाया गया है बैकग्राउंड में, और पीछे वाले इसको दिखाया गया है। और उसके बाद फिर वो इधर चले जाते हैं जहाँ पर एक मस्जिद में रुकते हैं जाके, तो वो वाली जो मस्जिद वाले सीन हैं वो आगे से लिए गए हैं वहाँ से। फिल्म का एक सीन इस हवेली का लिया गया है, जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खान को वो जो पुलिस वाला होता है वो इस हवेली के पास छोड़ के जाता है, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछता है, मियाँ आपका घर कहाँ है, क्या आप अपना घर भी भूल गए? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसी घर के पास गाड़ी को रुकवा देते हैं, कहते हैं यहीं पर उतार दो, यही हमारा घर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस गेट का नज़ारा सेम था। अच्छा एक चीज़ आप देखिए गौर से, वो वाला जो मीटर है ना लाइट का, वो लगा था उस टाइम पे, ये वाला नहीं था, तो ये जो तार है ना इसके ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे ही थे। और ये वाला जो प्लास्टर है नया वाला, ये शायद उसी टाइम पे हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी नया सा दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ उस जगह पर जहाँ पर बजरंगी भाईजान फिल्म में जो एक मस्जिद बनाई गई थी, जहाँ पर सलमान खान रात में रुकते हैं। सामने मेरे आप देख पा रहे हैं ना ये वाला गेट, इसी को मस्जिद बनाया गया था। और ये जो छतरियां हैं देखो मेरे पीछे, इन छतरियों का भी सीन है फिल्म के अंदर। यहाँ पे जहाँ अभी मैं पहुँचा हूँ ये मंडावा कोठी है सामने। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया है, जिसमें ओमपुरी इधर से आते हैं बाइक से। पीछे वाला इस घर का नज़ारा है, ये छतरी आपको दिख रही होगी, और पीछे वाला जो टावर है ये टावर दिख रहा होगा। उस टाइम पर वहाँ पर भी एक पेड़ था जो शायद अब कट गया, देखो वो कटा हुआ भी पड़ा है शायद, वो वाला है ना, यही पेड़ था, देखो जूम करके दिखाता हूँ। सलमान खान यहाँ पे बैठे रहते हैं इस वाले चबूतरे पे, और ओमपुरी इधर से आते हैं, जिसमें आप लोगों को ये दोनों जो खिड़की है ना, ये दोनों दिख रही होंगी, इधर वाली भी दिख रही होंगी। उस टाइम पर क्या था, यहाँ पर ये जो रेलिंग लगी है ये नहीं लगी थी। पीछे का ये जो गेट है ना, इस गेट को आप सेम मैच कर सकते हैं, वैसे ही है आज भी। और ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों पर पहले ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना रेड कलर के, ये जो ऊपर छतरियां सी लगी हुई हैं, ये छतरी पहले नहीं लगी थी,
दोस्तों इसी को बजरंगी भाईजान फिल्म में मस्जिद बनाया गया था, और ये जो मंडावा कोठी है इसी का हिस्सा है। एक बार अंदर चलते हैं, इसके अंदर से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। इधर देखो बैठने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। इस मस्जिद का जो एक सीन लिया जाता है ना, इस छत के ऊपर से लिया जाता है शायद। दोस्तों अभी मैं होटल की छत पे आ गया हूँ, और ये होटल अभी बन गया, यानी फिल्म के बाद ये होटल बनाया गया, पहले ये होटल नहीं था। तो जिसमें एक सीन जो लिया गया ना छत वाला, वो उस हवेली से लिया गया, वहाँ से सामने वाली जो हवेली है उसमें ये दोनों छतरियाँ दिखती हैं, और इस होटल को भी दिखाया गया है। वैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शायद दिखता है ऐसे, लेकिन वो सीन तो उसी हवेली से लिया गया है। ये पानी की टंकी है, ये लोहे वाली थी, और ये अभी देखो नई पानी की टंकी बन गई है। चलते हैं एक बार नीचे। अब एक सीन के अंदर जब वो पुलिस वाले सलमान खान को ढूंढने के लिए आते हैं इस मस्जिद के अंदर, जहाँ पे जो ओमपुरी जी होते हैं वो रोक देते हैं कि आप हथियार लेके अंदर नहीं जा सकते, वो वाला सीन यहीं से लिया गया था, जिसमें जो पुलिस की जीप रहती है वहाँ खड़ी रहती है उस जगह पे। और ये गेट है, उस टाइम पे क्या था, ये जो पेड़ है ना नीम का, इस पेड़ को मतलब इस पे पूरे पत्ते नहीं थे, तो पूरा गेट वो साफ दिख रहा था और ये भी दिख रहा था, ऐसे करके वो सीन लिया गया था। दोस्तों अभी मैं वापस उसी लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां से हमने सुबह वीडियो की शुरुआत की थी। सुबह हमने जो वीडियो की शुरुआत की थी, सामने उधर हवेली है वहाँ पर हमने शुरुआत की थी। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया जाता है, जब जो ओमपुरी जी होते हैं वो सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेके निकलते हैं। फिल्म के अंदर जो चेक पोस्ट था वो यहाँ पे बनाया गया था इस जगह पे, जिनमें इन छतरियों का नज़ारा है सेम, और उस दीवार को आप देख सकते हैं वहाँ पे ये खिड़की आज भी दिख रही है ऐसे करके। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, यहाँ चेक पोस्ट बनाया गया था जिसमें ओमपुरी इधर से आते हैं और इस तरफ को जाते हैं सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिठा के, वो वाला सीन यहीं से लिया गया है। दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म की जितनी भी शूटिंग मंडावा गांव के अंदर हुई है वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, और इस फिल्म की कुछ शूटिंग मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में हुई है। तो अभी दोपहर के लगभग 11 बज चुके हैं, हमने यहाँ पर पूछा था कि आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर जाने के लिए कोई साधन वगैरह मिलेगा क्या, तो लोग वह कह रहे हैं शायद मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर कोई साधन मिल जाता है तो हम उधर जाएंगे, वरना आप लोग इस वीडियो के अंदर यहाँ की शूटिंग लोकेशन देख चुके हैं। और इस फिल्म की कुछ शूटिंग दिल्ली के अंदर हुई है और कुछ शूटिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज है दूसरा दिन और हम पहुँचे हैं एक दूसरी लोकेशन पर। अभी मैं पहुँचा हूँ मंडावा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, एक गाँव पड़ता है, गाँव का नाम है चंदपुरा तेतरा। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चंदपुरा तेतरा का। तो फिल्म के कुछ सीन यहाँ पे लिए गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब वो पाकिस्तान के अंदर सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मुन्नी एक मतलब जो पुलिस वाला रहता है उसकी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो वो पुलिस वाला एक हेडक्वार्टर पर रुकता है जहाँ पर पुलिस का हेडक्वार्टर बनाया गया था। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना ये खंडर नुमा, यहीं पर बनाया गया था। और एक सीन लिया गया है वहाँ से, वो सामने अगर पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ सलमान खान वहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं पहलवानों से। अंकल यहाँ पे शूटिंग हुआ था बजरंगी भाईजान का? हाँ है सर। कहाँ कहाँ हुआ था? एक तो स्कूल में था, पुलिस वाला रोड से बड़ा। अच्छा, पुलिस का जो हेडक्वार्टर बनाया गया था थाना आई था। अच्छा इधर। हाँ। और दूसरा कहाँ पे, और कहाँ पे हुआ था वो? एक कुश्ती का था, सलमान खान यहाँ पे कुश्ती लड़ता है पीपल के नीचे। अच्छा, कितने दिन यहाँ पे शूटिंग चला था? 5-7 दिन चली होगी शायद, 5-7 दिन। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ से लिया जाता है जिसमें जो पुलिस वाला रहता है उसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है रोड के पास में, और इस पेड़ का नज़ारा है, और इस पूरे को मतलब पुलिस स्टेशन बनाया गया था, हेडक्वार्टर बनाया गया था यानी पुलिस वालों का।
जिसमें यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो सीन यहाँ से लिए गए हैं, यानी इसी को बनाया गया है पुलिस हेडक्वार्टर। और पुलिस स्टेशन जो बनाया गया है जहाँ पे सलमान खान को ले जाते हैं, वो यहाँ से बता रहा है एक गांव है, कोई कह रहा है 5 किलोमीटर है, कोई 7 किलोमीटर बता रहा है। अगर उधर कोई साधन मिलता है तो वहाँ दिखाएंगे। और एक सीन वहाँ पे लिया गया है, जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे सलमान खान कुश्ती लड़ते हैं पहलवानों के साथ। अभी मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच गया हूँ जहाँ पे सलमान खान मतलब कुश्ती लड़ते हैं पहलवानों के साथ। इस प्रकार से एक सीन लिया गया है जिसमें सलमान खान यहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ नज़ारा इधर का आ रहा होता है। ये जो मतलब रेत के टीले हैं इनका, और ये वाले पेड़ आपको दिख रहे होंगे नीम के जो पेड़ हैं, इनका नज़ारा है। और इस जगह पे सलमान खान बैठे रहते हैं। दोस्तों, बजरंगी भाईजान फिल्म की जितनी भी शूटिंग मंडावा और उसके आसपास हुई है वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और इस फिल्म की कुछ शूटिंग दिल्ली में हुई है और कुछ शूटिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर पहलगाँव है वहाँ पर हुई है, जहाँ पर मतलब पाकिस्तान का जो बॉर्डर दिखाया जाता है ना, जहाँ बाद में मुन्नी को मतलब छोड़ के आते हैं सलमान खान, तो वो वाली जो शूटिंग है वो पहलगाँव में हुई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।